मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार में जो कुछ भी जिस भी जीव के माध्यम से दिखाई दे रहा है वो ईश्वर का गुण है। ईश्वर ने सारे जीवों को पैदा किया, परंतु पैदा करने के बाद उनको जीने के लिए उनकी सुविधाओं का भी समाधान करना पड़ा। भगवान ने मछली को बनाया, मछली को जीने के लिए ईश्वर ने पानी से बात की, पानी ने स्वीकृति दी और मछली को जल में जीवन मिला। अगर मछली को जल के बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़फ करके मर जाती है। पेड़ को जीवन दिया तो धरती से बात की, धरती ने उसको जगह दी, अपने जीवन में धरती ने उसको जगह दी और धरती के सहारे पेड़ ने अपना विस्तार किया। जिस तरह से मछली जल से बाहर निकल करके तड़फ करके मर जाती है, ठीक उसी तरह से पेड़ भी धरती को छोड़ करके तड़प करके मर जाता है। भगवान ने इंसान को जन्म दिया और सारी अपनी विशेषताएं उसने इंसान में डाल दी, अब किससे बात करे? मछली के लिए तो जल से बात की, पेड़ के लिए पृथ्वी से बात की, इंसान के लिए किससे बात करे, क्योंकि सारी विशेषताएं तो भगवान की थी। तो भगवान को अपने से ही बात करनी पड़ी और उसने इंसान की जड़ें अपने अंदर पैदा कर ली और कहा कि इंसान मेरे ऊपर जिंदा रहेगा। जिस तरह से मछली जल से बाहर निकल करके तड़प करके मर जाती है, पेड़ धरती से निकल करके तड़प करके मर जाता है, अगर इंसान ने भी भगवान को छोड़ दिया तो वो भी तड़प तड़प करके मर जाएगा। इंसान को जिंदा रहने के लिए जो रस पेड़ को धरती से मिलता है वो रस इंसान को ईश्वर से मिलता है, परंतु उसको लेने का जो रास्ता है उसका नाम है प्रेम। उसका नाम है प्रेम। जिस तरह से पौधों पर कलम चढ़ाई जाती है उसी तरह से इस जीव के जीवन में प्रेम की कलमें चढ़ाई जाती हैं। प्रेम की कलमें चढ़ाई जाती हैं। जिस तरह से फूल पेड़ से टूट करके मुरझा करके मर जाता है उसी तरह से जीव का जीवन भी
प्रेम के प्रत्यारोपण ना होने के कारण तड़प करके मर जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, रीता लिख भी रही है, अगर ये बात सही है कि इंसान ईश्वर के बगैर नहीं रह सकता, लोभ मोह भोग विलास इन सब की व्यक्ति को क्या आवश्यकता है। मैं आप सबसे ही पूछता हूं, जवाब दीजिए। एक तरफ भगवान बैठा है और एक तरफ लोभ बैठा है, एक तरफ काम वासना बैठी है, तो व्यक्ति किस तरफ को जाएगा? मेरा सवाल है आप सबसे, व्यक्ति किसकी तरफ को जाएगा? और याद रखना, अगर प्रेम की कलम उसके ऊपर चढ़ी है तो वह भगवान की तरफ जाएगा, अगर वासना तृष्णा की कलम उस पर चढ़ी है तो वो उसी की तरफ जाएगा। बाहर के वैभव के लिए, बाह्य दिखावे के लिए, बाह्य सुख के लिए व्यक्ति संसार के भोग विलास में खोया रहता है। अंततः इसी में जाकर के दफन होकर के मर जाता है। सच्चाई तो निखिल यही है बेटा, जन्म के साथ मैंने ही आपको कहा था, बच्चा कितना भावनाशील होता है जरा विचार करो। जन्म के समय बच्चा कितना भावनाशील होता है, क्योंकि वो भोग विलास को नहीं जानता, क्योंकि उस समय उसके जीवन में भोग विलास उसकी चेतना पर काम नहीं करता। देखो बेटा, तोल के देख लो, आपके सामने है। मैंने कल आपसे कहा था, संसार के परपंच जब जीव की आत्मा पर काम करने लग जाते हैं तो महत्व वो उसी को ही देता है, ना के भगवान को। हां दिनेश बेटा, मन की उत्पत्ति हुई ही उन तत्वों से है। सच को देख बेटा, मन जब तक मन नहीं था तो भावना ही भावना थी, और जैसे ही मन प्रकट हुआ भावना चली गई। मन की गति निश्चित रूप से संसार की तरफ है, पर आत्मा की चलने कहां देता है? आप लिख रहे हैं आत्मा की गति परमात्मा की तरफ है, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है, पर मन उसको चलने कहां देता है? राजसी ठाटबाट गुप्ता जी लिख रहे हैं, निश्चित रूप से यही सच्चाई है, इसको एक शब्द में बांधना। इसके लिए इससे छोटा शब्द नहीं हो सकता। हम राजसी ठाटबाट चाहते हैं, इसलिए इसकी तरफ को चलते रहते हैं। यहीं से परपंच उसकी चेतना के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। परपंचों से चेतना,
पूरी तरह से घिर जाती है, घिर जाती है। जीव छटपटाता है, बच करके बाहर निकलना चाहता है, परंतु चाह करके भी उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। चाह करके भी उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जिस तरह से सांप लिपट जाता है और जान ले लेता है, इसी तरह से पाप हमारी चेतना के साथ चिपट जाता है और चेतना में चेतना की गति को नहीं होने देता। फिर से कह रहा हूं, मैंने अभी कलम चढ़ाने की बात कही थी। प्रेम का प्रत्यारोपण, प्रेम का प्रत्यारोपण जब जीव के ऊपर होता रहेगा तो जीव को आत्मा से आत्मा का रस मिलता रहेगा, वरना टूटे हुए फूल की तरह से, मैं फिर दोबारा से कहता हूं, टूटा हुआ मत कहिए, पौधे पर लगा हुआ फूल एक सीमा तक उस पर बाहर आती है, और जब बाहर आती है तो वो खूब खिलता मुस्कुराता है, परंतु पता नहीं कौन सा लकवा उसकी बाहर को लग जाता है, कि वहीं पर तना हुआ डंठल भी नीचे को मुड़ जाता है और पौधे की बाहर, पुष्प की बाहर, पौधे पर लगने के रहने के बावजूद भी चली जाती है। वो चली जाती है जिस तरह से टूटा हुआ फूल सूख जाता है, पौधे पर लगा हुआ फूल भी सूख जाता है। ठीक यही बात, बिल्कुल डिट्टो बात, एक तरफ ये जो समझाया इसको रखिए, जब बच्चा किशोर व्यवस्था में आता है और प्रपंचों का संक्रमण, प्रपंचों का संक्रमण उसकी चेतना पर गति करता है, तो वो बच्चे की बाहर को खा जाता है, जो उसकी जिंदगी का, उसके विकास का आधार है। बच्चा ठीक उस तरह से, जिस तरह से किसी फूल को कोई पकड़ करके मसल दे, ये संसार के प्रपंच इतने निर्दयी, निरीही हो जाते हैं कि उन्होंने किसी के जीवन को मसलने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उल्टी खुशी होती है। किसी की भी जिंदगी को बर्बाद करने में उन्हें कोई कष्ट नहीं, आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते। जो अभी गुप्ता जी ने लिखा, सचमुच वो राजसी सुख जो इंद्रियों के माध्यम से इस जीव को लगते हैं, उनके प्रपंच में आकर के ये जीव फंस जाता है। कैसे निकाला जाए? याद रखना, किशोर वय आते के साथ ही शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का दौर आरंभ शुरू हो जाता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का दौर आरंभ हो जाता है
और विकासशील उम्र को इसी वजह से अधिक संवेदनशील माना जाता है। बेटा, अगर व्यक्ति को किसी से बांधा जा सकता है, मैंने अभी कहा इंसान की जड़ें भगवान में हैं, मैंने मर्यादा और नीति की बात पिछले दिनों आपसे की थी, जब परपंचों के घेरे में ये जीव आ जाता है, मर्यादाओं की जड़ों को उखाड़ करके फेंक देता है, मर्यादाओं की जो दायरा है उसको स्वीकार नहीं करता, मन की चला लेता है। दिनेश ने अभी लिखा था, मन की चला लेता है। हां गुप्ता जी, परपंच का आधार निश्चित रूप से परिवर्तन है, निश्चित रूप से परिवर्तन है, परंतु मन और बुद्धि का विकास भी तो साथ जुड़ा है। सांसारिक परिवर्तन के लिए परपंच बहुत आवश्यक है, परंतु ज्ञान का प्रयोग करेगा तो आत्मिक विकास भी तो बहुत जरूरी है। अगर ये जीव आत्मिक विकास करना चाहता है तो आत्मा की गति आत्मा के साथ हो, आत्मा की गति आत्मा पर हो। अच्छा देखो ना, सच्चाई से देखो, एक रिश्ता बच्चे के साथ माता पिता का है, एक रिश्ता समाज का भी है, परंतु एक रिश्ता बाबा दादी का भी है। अगर आप छोटे हैं, बच्चे हैं, तो देखिए ना, आपके मां बाप के साथ आपका कैसा रिश्ता है। बेटा, क्या शरीर का रिश्ता है? शरीर में तो पड़ोसी भी है, शरीर में तो आपका दुश्मन भी है, परंतु नहीं, वहां एक रिश्ता है। अब रिश्ते की गूढ़ता को, रिश्ते की गहराई को, उसको ठीक से देखें, वहीं पर एक रिश्ता आपका बाबा दादी का भी है। पहचान करें, अपने रिश्ते की वास्तविक पहचान को करें और रिश्ते के सही स्वरूप को समझें तो बात बनती है। अगर ये बात आपको समझ आती है तो बात बनती है। गुप्ता जी, कल बोलूंगा इस पर, क्योंकि आज का समय पूरा हो गया है। विषय तो इधर इसी तरफ जा रहा है, विषय को मुझे इसी तरफ लेकर के जाना है, परंतु सच को देखिए, आत्मिक विकास तो बाद में होगा, त्याग और साधना तो पहले शुरू होगी। अगर त्याग और भावना की शुरुआत नहीं हुई है तो आप सोच करके देखिए, किस आधार पर हम अपने आप को आत्म विकास के लिए ये कह सकते हैं कि हमारा आत्म विकास हो रहा है। ध्यान की तरफ चलें अब। दिव्य दर्शन प्रातः काल पूर्व दिशा
स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य, सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा। सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनिषत्, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का, प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंत ऊर्जा का संवर्धन।
अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण बेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का बेधन, मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का बेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्र भेद शब्द भेद लक्ष्य भेद, बेधन शोधन जागरण, सत्यत्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण,
अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। अज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योग अग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में। ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण। जागरण। कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन।
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, ॐ तुम सो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के पांच चरण, पंचोंकार। दोनों हाथ पकड़े,
मुख पर फिराएं। जो विषय चल रहा है उसकी गहनता को महसूस करना आवश्यकता है, उसकी गहराई में जाने की। प्रयास एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। सहयोग और साथ भी बराबर का होता है। भगवान के बगैर हम रह नहीं सकते, जो अभी समझाया है। भगवान आपका सहयोग कर रहा है, बराबर आप उसका सहयोग करिए, बाहर आ जाएगी। बाकी बात कल फिर समझाऊंगा, आज की बात संपन्न।